press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर चर्चा करेंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को जो पाकिस्तानी दौरा है 15 और 16 अक्टूबर का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। यार चार लौंडे लपाड़े चौक में इकट्ठे नहीं हो सकते, लड़कियों को छेड़ते हैं, दूसरे ड्रामे करते हैं, आप कहते हैं कि पूरा मरीज इलाज करें। और यहाँ तो भाई जो रशिया से बर्ड आते थे माइग्रेट करके, वो छोड़ के आने यहाँ पे, आप कहते हो फॉरेन लीडर आए, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर 2 हफ्ते पहले अटैक हुआ, और आज आपके सूबा पंजाब के ऊपर अटैक किया उन्होंने। फिर अब अफवाहें क्या उड़ रही, कहते हैं ये डबल एजेंट है, इसको सेफ रास्ता दिया गया, वो पीछे मारगला की पहाड़ियों से आके तो उसमें घुस गया, तो डी चौक में नहीं गया, वहां से उसको कुछ कहते। आज सुबह से अपने उसके भाई ने भी ट्वीट कर दिया, गंडासा भाईजान के, और फिर उसके बाद आपके मीडिया वाले भी मुसलसल ट्वीटें कर रहे हैं, कोई कहते पकड़ लिया, कोई छोड़ दिया, कोई पकड़ लिया, कोई छोड़ दिया, कोई कह रहा माफिया मांग रहा है, कोई कह रहा जूते मारे जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं। वो उसके वो उसकी 2 बहनें हैं ना, उनका कोई सपोर्टर है, वो आके सड़क पे खड़ी हुई, पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठा के वो मिले। लेकिन पता नहीं ये क्या किस तरह ये चाहते हैं, जज अपने उनकी माफिया बन चुका है जजों का, आपकी असेंबलियां अलग हैं, आपका ये कोई चीज किसी चीज में, पाकिस्तान कहां है, वो हार चुका है, पाकिस्तान तड़प रहा है। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, कल मेरे शाम को बर्थडे थी, मेरे एक बर्थडे पे था, मेरी बर्थडे जो थी वो सारे मेरे भारतीय दोस्तों ने मनाई थी। दुख वाली बात, ये चीज डिस्कस की मैंने वहां पे, उनमें से 70% के पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए। कल ये चीज डिस्कस की, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा यार इन्हीं चीजों के लिए हमारे हमारे माँ बाप को तुमने वहां से निकाला था, यही करना था तुमने, ये जो कर रहे हो आप, कोई है 25 करोड़ लोगों में से इस चीज का जवाब दे कि ये जो कल किया तुम लोगों ने, अभी भी कर रहे हो, इसके लिए पाकिस्तान बनाया था, बंटवारा किया था, 10 लाख लोग मारे थे इसलिए। मैं शर्मिंदा हुआ उनसे, यकीन करे कर शर्मिंदा, मैं वाहिद था, मेरे तो खैर भाई हैं सारे वो, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा यार मुझे दुख है कि तुम्हें यहां से निकाला गया, और इस चीज के लिए आज सिसक सिसक के पाकिस्तान खत्म हो रहा है, मर रहा है आज। वो जिस तरह कहा था, किसी ने फैज अहमद फैज से पूछा था, उसने कहा जी मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान खत्म हो गया। उसने कहा मेरे पास इससे भी बड़ी ज्यादा बड़ी बुरी खबर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सर आप ये सक्सेस तो देखें ना पीटीआई की, डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं, हम तो एससीओ में समझ रहे थे। देखिए डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना कर। एक एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें, वहां यार वो इसलिए आ रहा है वहां पर, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें जो मैं मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइडलाइंस पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं, साइडलाइन पे। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप में बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप में बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितने कितने कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है, कसम से हंस रही है।
कहते हैं देखो, बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात ये। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। ओए मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार इनको, ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने के, कहो यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन कर आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये इन्होंने देखे, मैं हैरान होता हूं। मैंने कल परसों मुझे कहीं एक गैदरिंग पे बोलने का इत्तफाक हुआ, तो मैंने वहां पे सिर्फ कहा था, मैं क्या इस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत। इराक जब बगदाद जब चढ़ा था, इस पे चढ़ दौड़ा था आपका गेंगिस खान, और उसने जब वहां की लाइब्रेरियां जलाई थी, दरिया में जाके सारा कुछ फेंका था, उसके बाद आपने तरक्की, उस पे अब्बासियत पीरियड था, अब्बासियत पीरियड के बाद आपने ऐसा मुंह फोड़ा, आप फेर लिया है साइंस से, इंग्लिश से, मैथ से, कि उसके बाद आज तक तुम्हें कोई समझ ही नहीं आ रही कि हमने कहां जाना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सर ये भी तो देखे ना कि जो भारत है या बाकी कंट्रीज हैं, वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करती हैं कि अगर अगर प्रॉब्लम है कंट्री में, या एजुकेशनिस्ट को इनवाइट करते हैं, हम जाकिर नाइक को बुलाते हैं, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बैठा हुआ कौन है, जाकिर नाइक। भाई वो तो फिर आप मुझे आप ये बताए ना, आप एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ मुर्शिद बन सकता है, पीर बन गया है, लोग उसके जमान पार्क पे जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, गेट को चूमते हैं, ओपनली कहते हैं ये मुर्शिद है, तो फिर आपको जाकिर नाइक ही चाहिएगा, आपने तरक्की की तरफ थोड़ी जाना है। सुबह शाम कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, अरे जिहाद है। मैं हमेशा आपको चैलेंज करता हूं, आपके हमेशा आपके माजी में किसी ने आप जिहाद किया आप में से? पठानों के सामने तो लेट जाते थे आप, गोरों के सामने भी लेट जाते थे, आज पता नहीं क्योंकि तुम्हें ये दौरे पड़ रहे हैं जिहाद के, किसने किया माजी में? भाई मैंने आपको कहा था मैं पंजाब से हूं, हमारे शहर में साइकिल का टायर फटे तो शहर बंद हो जाता है डर के, ये लड़ाइयों वाले नहीं है ये। लेकिन चलो एंजॉय कर रहे हैं ना, ये पार्टी कर, असल में दर हकीकत पार्टी पीपल है, ये पार्टी करते हैं मजहब के, मजहब देखे ना। अब इस वक्त आपकी जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसके पास क्या था, उसने सब कुछ इकट्ठा क्या किया, वो ऊपर से पहला गाना लगता था इमरान खान के जलसे च नचण नु जी करदा है, उसके ऊपर लड़कियां नाचती थी, तो साथ ही मुर्शिद आके कहते थे अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन, तुम्हें हज उमरा करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पीटीआई के लिए वॉलंटियर करो। नीचे मैंने खुद अपने वीडियो देखी, नीचे कई पठान बच्चे बैठ के गांजा चरस भर रहे होते थे उसी जलसे में, जहां ऊपर अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन, उसने हर चीज इकट्ठी कर दी, 3-in-1 कर दिया ना उन्होंने, 3-in-1 कर दिया, पार्टी भी है, मजहब भी है, लड़कियां भी हैं, मुजरे भी हैं, गाने भी हैं, तबले भी हैं। उसने कहा बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहां जाओ, इधर इकट्ठा करो सारा कुछ, गांजा भी है, नशा भी है, सारा कुछ। आज भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भागे फिर रहे हैं, उनके ऊपर भी शहद की बोतल का पर्चा है, उनके ऊपर शराब की बोतल, कहते हैं बुलाया गया है सर, उनको अदालत में बुलाया गया है, लेकिन सर लोग वो नहीं, उन्होंने क्या करना चाहिए, वहां तो सिविलाइज लोग जाते हैं, अदालतें तो बनती है ना जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, वो तो कहता ना, वो इशारे आज भी वो कर रहा था इस तरह कर रहा था इशारे, आज जब जलसे में आ रहा था उसने यही कर रहा था। लेकिन चल जो चलाने वाले हैं उनका कसूर है, उनका इनका नहीं कसूर, ये तो बिगड़े, ये तो आवारा लोग, ये देखें अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये तो पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, कसूर तो उनका है जो जिनकी हकूमत है, SCO अगर वहां आज नहीं आता, अगर आज आपके जयशंकर आज कहते वहां पे हालात नहीं, हम नहीं आने वाले, किसको ब्लेम करोगे भी? आज रशियन आने से जवाब दे देते हैं, चाइना आने, किसको ब्लेम करोगे? लेकिन मैंने आपको बताया आज पाकिस्तान हार गया है, मुर्शिद जीत गया है, पाकिस्तान हार गया है। सर उन्होंने ये तो जरूर कहा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे डॉक्टर जयशंकर, लेकिन फिर भी यहाँ से उन जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए कि वो कोई अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं यहाँ। मैं इतना खुश था, यहाँ पे लोग इंटरनेशनल मीडिया लोग जो थे वो समझते थे कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक आइस मेल्ट हो रही है, बहुत बड़ा अच्छा इसको पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा था, लेकिन कल देख के मेरा दिल बहुत खट्टा पड़ा,
कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। लेकिन आरजू, मुझे आपकी हमेशा फिक्र होती है। मैं जब भी आज इस्लामाबाद पे जो वो शेलिंग और आग देख रहा था, तो सबसे पहले मैंने जिसका सोचा वो आप थे। बहुत शुक्रिया आरजू। आरजू जी वहां पे होंगे तो आपके लिए दुआएं हैं, अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहा हूँ। मैं तो डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए भी दुआएं मांग रहा हूँ कि वो जाएं और खैरियत से वापस आ जाएं। और सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोग मुझे यूट्यूब पर ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर पे रखें, तो हमें इत्मीनान रहेगा कि वो हिफाजत से हैं, कहीं और मत उनको टहरने दें। बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे एग्री करूंगा, मैं उनसे एग्री करूंगा। लेकिन ये कि बस देखें, आप ये दुआ करें, अरदास करें कि इन लोगों को हदायत हो, ये मिलजुल के रहें और भारत और पड़ोसियों से, ईरान से सबसे रिलेशनशिप ठीक करें और साइंस और मैथ की तरफ तवज्जो दें। डेफिनेटली। तो और मैं यही कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आगे सर, जी। आने वाली है दिवाली, आने वाली है आगे जी, यहाँ भी उसका तैयारियां हो रही है। मेरे दोस्त सारे, कल हम इकट्ठे थे सारे, 15-20 लोग थे उसमें। मैं खैर, मैं तो अपने आप को, आपको पता, मैं ये बिल्कुल नहीं प्रेजेंटिस इस चीज का करता कि मैं जी बड़ा, मैं सिर्फ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, I'm plus Indian, I'm plus everything। मुझे मैंने मजहब और बाउंड्री पे दोस्तियां नहीं लगाता। तो वो दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, ये भी दिवाली होगी, सबको मुबारक देंगे, मजीद इस पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है सर, और मैं खुद भी, मैं क्या, मेरी मदर के टाइम से जो है हमारे घर तो दिवाली मनाई ही जाती है। और लेकिन ये कि मुझे मालूम नहीं था कि कल आपकी बर्थडे थी। नहीं, बर्थडे गुजर चुकी, कल वो दोस्त इकट्ठे थे वैसे। अच्छा, मेरे वो जसदीप दोस्त हैं, उनकी भी सितंबर में, लास्ट वीक में, तो वो दोस्तों ने ये किया कि दोनों को इकट्ठी कर दी हमारी बर्थडे। बर्थडे तो एक बहाना था बैठने का, गपशप लगाने का। हाँ, लेकिन सर हमें पता होता, हम भी आपको विश करते और अभी भी हम आपको विश करते हैं कि खुदा करे कि बहुत सक्सेसफुल, सेहतमंद और बहुत लंबी जिंदगी हो। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी को, और जिस तरह से आप बात करते हैं, सभी आपको बहुत पसंद करते हैं, आप जानते हैं, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू कासिम जी और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में उनके पॉजिटिव एनालिसिस और व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, जहाँ पे इन दोनों ने ना सिर्फ हमारे देश की बात की, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब है, जो उनका दौरा और SCO मीटिंग आ रही है पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर, उसको भी डिस्कस किया और पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने रखे। और अंत में पूरी इंडियाज भारत की टीम की तरफ से, हमारे हर एक सब्सक्राइबर यानी हमारे परिवार की तरफ से, साजिद तारा साहब को उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।